वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th, पार्ट अपना थर्ड, फिजिक्स चैप्टर, फोर्थ चैप्टर चला था अपना, किस चीज़ का? मोशन इन ए प्लेन का, जिसके अंदर अपन ने देख लिया था वेक्टर स्केलर से इंट्रोडक्शन और ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने का जो ग्राफिकल मेथड था। तो ग्राफिकल मेथड के जो अपन ने क्वेश्चंस किए, जो न्यूमेरिकल्स किए थे या जो पढ़ा था, उसके अंदर क्या देखा था कि जो ग्राफिकल मेथड के अंदर जो आप रिजल्टेंट निकालोगे, उस रिजल्टेंट की लेंथ तो आप देखो ग्राफ के अंदर बना रहे हो, तो ग्राफ की स्केल से नाप सकते हो। वैसे तो क्या कर सकते हो, ग्राफ के अंदर बना रहे हो तो ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफ के अंदर बनेगा, ठीक है। जिसकी जो सारी लेंथ होगी वेक्टर की, वो स्केल से नाप की बनाई जाएगी, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, अपन नाप के निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम बना के। जैसे ये दो वेक्टर है, इनका जो ये रिजल्टेंट था ए और बी का, इस रिजल्टेंट को अगर अपन ग्राफ में बनाएंगे तो इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, या अपन जब ग्राफ में बनाएंगे तो अपन ने अभी तक जो जितने भी देखे थे वो अपन 90 डिग्री एंगल से मान के चलते थे, है ना, 90 डिग्री एंगल से मान के, और अपन इसकी आर की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर रहे थे, ठीक है। ये था अपना ग्राफिकल मेथड, ये निकाल रहे थे ग्राफिकल मेथड में सीधे नाप के। लेकिन जब आपको क्या कर दिया जाए, कुछ एंगल दे दिया जाए, सीधे वेलोसिटी बता दी जाए कि सीधे वेक्टर्स की वैल्यू दे दी जाए, और आपको एंगल बता दिया जाए कि इस एंगल के ऊपर दोनों झुके हुए हैं, दोनों के बीच में ये एंगल है, तब आप क्या करोगे, तब उसको बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए जो अपने पास मेथड है उसे बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एनालिटिकल मेथड देखो क्या होता है, अभी कि मान के चलो दो वेक्टर ए और बी है, देर आर टू वेक्टर ए एंड बी, जिनका हेड इस साइड, ये इस साइड, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अभी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल होगा, जो इनके कोइंस हेड पॉइंट, यानी जो अपना इनका कोइंस हेड पॉइंट मान के चलते हैं ए, उससे निकले कोइंस हेड पॉइंट कौन सा इनका, ये जहाँ से दोनों निकल रहे हैं, कॉन्क्रेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इनका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, अभी रिजल्टेंट होगा अगर ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये अपना बी वेक्टर हो जाएगा, ये अपना क्या होगा, रिजल्टेंट आर होगा, ठीक है। आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू कुछ और टर्म से फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, इस वेक्टर को अगर आगे बढ़ाया जाए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाए, एंगल 90, ठीक है। तो ये जो अपना एरो होगा, ये जो अपनी लाइन है, अगर इसको ए बी सी डी ई पॉइंट दे दिए जाए, तो सी डी जो लाइन होगी ये क्या होगी, अपना बी वेक्टर होगा पैरेलल शिफ्टिंग से, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल कौन सा है, अभी ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, ये थीटा एंगल है नहीं है, यही एंगल कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू, पैरेलल शिफ्टिंग से यही एंगल कहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे होगा। अल्फा आर के साथ जो एंगल बनाएगा वो कौन सा होगा, अभी अपना मान के चलते हैं अल्फा होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल लेके चलते हैं अपन, ट्रायंगल सी डी ई के अंदर क्या देखोगे, भी अगर वैल्यू लगाई जाए, वैल्यू फाइंड आउट करनी हो अपने को हर लाइन की, हर साइड की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं डी ई की, ठीक है, या सी डी ई की करके देखते हैं। तो डी ई साइन थीटा लगाओ, क्या होगा अभी, सी ई ओवर हाइपोटेनियस बी,
तो सी ई जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वी वी साइन थीटा, मोड लेके चले तो इनका मैग्नीट्यूड लेके चले तो सी तो कितना आ गया अपना बी सही ही बी साइन थीटा पहली कंडीशन, ठीक है। अब इसी के अंदर कोस थीटा लगाओ तो कोस थीटा जो आएगा वो कितना आएगा बी डी ई ओवर बी, यानी डी ई अपना कितना आ जाएगा बी कोस थीटा, बेस आ गया बी साइन बी कोस थीटा और अपना जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया बी साइन थीटा। एक चीज़ देखो, अगर ये अपने पास बी वेक्टर है जो बीच में से जा रहा है, ठीक है, तो इसके जो नीचे अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो एक्सिस होगा वो उसको बोलेंगे हमेशा ही बी कोस थीटा, और इसके जो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा उसको हमेशा बी साइन थीटा नाम देंगे, चाहे कोई वैक्टर हो। अगर ये जल्टेंट बीच में से है तो उसके जो ओरिजेंटल एक्सिस है उसको कोस थीटा में लिया जाता है और ऊपर वाली को साइन थीटा, उन दोनों से मिलकर क्या बनता है ये रिजल्टेंट। हर जगह आपको ये याद रखनी है, अभी तो फाइंड आउट करके दिखा दिया लेकिन अगर अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमेशा आपको याद रखनी है कि बेस होगा इस वेक्टर का वो हमेशा क्या होगा कोस थीटा में, और जो सामने वाली एंगल होगा ये इस साइड एंगल है इसका परपेंडिकुलर इस साइड होगा पैरेलल शिफ्टिंग से, ये कितना आया बी साइन थीटा आया। आगे समझ में वैल्यू आ गई किसकी, इन सब की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या निकालना है अपने को, रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर से अगर फॉर्म करें कौन सा एंगल ट्राइंगल ए सी ई, राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी ई, इसके अंदर लगाओ पाइथागोरस इक्वेशन लगाओ तो हाइपोटेनियस इसका मोड इसकी स्क्वायर इक्वल बेस क्या है ए ई, तो ए ई कितना है अभी अपना ए ई की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर तो यहाँ तक, और ये डी ई कितना है बी कोस थीटा, तो ए ई कितना है अपना ए प्लस बी कोस थीटा इसकी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा की स्क्वायर, तो आर की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा आ गया। ये मिटा दिया, ये आ गया। इससे देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया दिया जाए तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टू ए बी कोस थीटा, इससे जो बनेगा वो क्या होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन से। आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। तो ये अपना क्या आ गया अभी किसी भी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला, जब क्या दिया हुआ आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया हो, ठीक है। अब रिजल्टेंट का एंगल ये वो थीटा एंगल कौन सा है ए और बी के बीच का, अब अपने को निकालना है रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है ए के रिस्पेक्ट में अल्फा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो निकालो टेन अल्फा लगाओगे तो क्या आएगा बी बी साइन थीटा, टेन अल्फा क्या होता है बी सी ई और ए ई, तो कितना आएगा अभी सी ई कितना निकाला था अपन ने बी साइन थीटा और इसकी वैल्यू कितनी थी ए प्लस बी कोस थीटा, किसकी वैल्यू आई टेन अल्फा की, अल्फा की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या देती है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और सेकंड इक्वेशन क्या देती है बी रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। अल्फा आ गया बीटा निकाल सकते हो, बीटा कैसे निकालोगे ये पूरा एंगल कितना है थीटा, थीटा में से अल्फा माइनस कर दो बीटा निकल जाएगा, ये आपको बीटा निकालना है तो क्या करोगे ये वैल्यू इसके इक्वल है नीचे वाले के, ठीक है, इसके पूरे के
इसको बीटा मान लिया जाए, अगर अगर ये एंगल मान लिया जाए कितना है बीटा, तो इसके अंदर टेन टेन बीटा लगा देना, उसकी वैल्यू आ जाएगी, चेंज कुछ नहीं होगा, टर्म उल्टी हो जाएगी, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। टेन बीटा भी निकल सकते हैं। ये हो गया अपना एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके कुछ कर लेते हैं न्यूमेरिकल। जो आपकी बुक में दिया है पहले वो कर लेते हैं, फिर अपन देखेंगे और कुछ हो तो। बुक के अंदर दिया है एक कोई बोट है जो किसी रिवर में से जा रही है, बोट की जो वेलोसिटी है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और वाटर करंट की जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बोला है जो वाटर की डायरेक्शन है, वाटर करंट की जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ है, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ है। अब मान के चलते हैं, पहले एक्सिस बनाते हैं सारी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो बोला है इसकी जो बोट की वेलोसिटी है वो नॉर्थ के अंदर कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, यानी जो वी बी है वो 25 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे है, नॉर्थ में, वी बी ऊपर की ओर, और जो वी सी है वाटर करंट उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है 60 डिग्री के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, साउथ के ईस्ट के अंदर, साउथ के ईस्ट के अंदर 60 डिग्री के ऊपर है कौन, जो अपनी रिवर है, साउथ के 60 डिग्री पे, साउथ के 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ के, साउथ टू ईस्ट का मतलब होता है, लिखा है साउथ टू ईस्ट, साउथ टू ईस्ट 60 डिग्री का मतलब है साउथ से ईस्ट अपने को कितना चलना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री चले तो इस 60 डिग्री पे कौन है भाई अपना, वाटर करंट जिसकी वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो रिजल्टेंट मान के चलो कहाँ पे होगा, अभी इस डायरेक्शन में मान ले, ठीक है, रिजल्टेंट मान लिया। अब बताओ क्या बताना पड़ेगा, अभी एक तो वेक्टर एडिशन आर की वैल्यू, आर रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड बताओ, दूसरा एंगल बताओ कौन सा, अल्फा एंगल किसके साथ बनाया हुआ, इसके साथ, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो पहले देखो एक बार आर की वैल्यू निकालनी है, आर के मैग्नीट्यूड की, तो आर के मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। अब ए स्क्वायर कितना है अभी अपना, ए की वैल्यू कितनी है 25 की स्क्वायर, प्लस बी की 10 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 कोस, एंगल कितना है थीटा। अब थीटा एंगल कौन सा है पहले तो वो देखो, थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, वाटर बोट और वाटर जो अपनी बोट है और करंट की जो वाटर करंट की जो वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल, ये है पूरा थीटा, ये पूरा थीटा है, आया समझ में, ये पूरा थीटा है, ये पूरा कितना कैसा होगा अभी पूरा निकालोगे तो ये कितना हुआ, ये पूरा कितना होगा 180, 180 में तो 60 घटा दोगे तो कितना बचेगा भैया 120 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है कोस 120, निकाल लो वैल्यू 25 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 10 कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, अभी तक 90 तक पढ़ी होगी आपने कि कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है एक, और मिनिमम वैल्यू कोस 0 पे एक होती है, मिनिमम वैल्यू कोस 90 पे 0, अभी तक 9th 10th तक यही पढ़ा है। लेकिन जो कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है एक, ठीक है मैक्सिमम, और कोस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस एक, और जो कितनी एंगल पे होती है अभी पाई एंगल पे या 180 डिग्री एंगल पे, आ रहा है समझ में, कोस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस एक और मिनिमम माइनस एक,
तो एक चीज़ याद रखो, कॉस 120 को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस 60, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद रखना है कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। कॉस पाई माइनस थीटा, एक नॉर्म याद रखनी है आपको कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। देखो अब इसको इस फॉर्म में लगाओ, पाई आ गया, कॉस आ गया, थीटा कितना है 60 डिग्री, किसके इक्वल होगा भी ये माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है अपना इसके अंदर 60 डिग्री, तो ये कॉस भी 120 है, ये किस में चेंज हो जाएगा भी माइनस कॉस 60 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको 60 के अंदर चेंज करो, सिक्स 75 100, माइनस का साइन लगेगा, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/√2, ठीक है 1/2 निकालोगे, 675 250, टोटल वैल्यू जो आती है वो आती है अभी इसकी 22 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है अभी 22 किलोमीटर पर आवर। आगे समझो, ठीक है, ये तो था अपना रिजल्टेंट। अब एंगल की बात करें तो टेन अल्फा कितना होगा भी बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, बी की वैल्यू 10, साइन थीटा कितना भी साइन थीटा, अल्फा निकाल रहे हैं लेकिन यूज थीटा का होगा, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। थीटा कौन सा है, ए और बी के बीच का एंगल, ये बड़ा 120, साइन 120, ए कितना 25 प्लस बी कितना है 10 कोस 120। अब यहाँ पे कोस पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, और जो साइन पाई माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है प्लस साइन थीटा के। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 120 प्लस साइन 60 के अंदर, प्लस साइन 60 के अंदर हो जाएगा। तो 10 इंटू साइन 60 और ये 25 माइनस 10 कोस 60, बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा है जो वो माइनस कोस थीटा के अंदर चेंज होगा, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस कोस 30। अब कोस साइन 120 या साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, ठीक है। तो इस तरह जो एंगल आता है वो आता है इक्वल टू, बुक के हिसाब से आएगा क्योंकि आपको वैसे दिया होगा, बुक के हिसाब से अपन कह रहे हैं, बुक के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, सोल्व करेंगे तो आपने आपको पता नहीं होगा, जहाँ तक आपको पता नहीं चले टेन एल्फा की वैल्यू इसकी वैल्यू आती है 0.3 कुछ समथिंग, ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ देना, एंगल बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एंगल पूछे तो 23.4 डिग्री है, ठीक है, याद रखिए तुमने। अगर एंगल ना आए तो टेन एल्फा की वैल्यू निकाल के छोड़ देना, वहाँ तक आपका सही होगा। आगे समझ में, तो ये तो था अपना क्वेश्चन एनालिटिकल मेथड का। अब एक दो एक चीज़ें इसके अंदर और याद करो कि जब 60 डिग्री हो, दो वेक्टर अगर सेम हो, अगर दो सेम वेक्टर हो, सेम वेक्टर से मतलब है मेरा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे दो वेलोसिटी है ए, उसकी भी वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर या ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी भी 10 किलोमीटर पर आवर, अगर दोनों वेक्टर सेम हो तो उनका रिजल्टेड हमेशा उनके बीच से जाएगा। अगर ये है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो उनका रिजल्टेड हमेशा उनके बीच से होगा, यानी ये भी क्या होगा पूरा इक्वल होगा, ये एंगल बीटा मानो
और ये अल्फा, तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं, हमेशा बीच में से जाएगा रिजल्टेंट, एक चीज़ तो याद रखना, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, दो सेम वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो, दो सेम वेक्टर है अगर 90 डिग्री पे हो ऐसे, 10 10 90 पे हो, तो उनके बीच में से जाएगा फिर 45 डिग्री से, उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी ए रूट टू, यानी 10 रूट टू आएगी, सीधे आंसर लिख देना। अगर 60 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो कोई दो वेक्टर, तो उसकी आंसर आता है वो होता है ए रूट थ्री, जहाँ पे ए होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 रूट थ्री, कब, जब 60 डिग्री एंगल पे हो, याद रखना। ये सिर्फ होता है वेक्टर एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होता। हो गया, अब आगे देखो, तो पैरेललग्राम ग्राफिकल में और एनालिटिकल में फर्क पता चल गया, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन समझना है इस मेथड को, अगर बोर्ड के अंदर कहीं पे भी आता है तो आपको प्रूव करके दिखाना है, लेकिन समझना है तो आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, ठीक है। अब देखो एनालिटिकल मेथड से ये पढ़ लिया, अब एनालिटिकल मेथड से एडिशन पढ़ा है, अब सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन देखो अभी क्या होगा, पहले बोला था कि नेगेटिव वेक्टर, एक चीज बोली थी नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ये होता है कि a इक्वल टू माइनस बी होगा, कब, जब मोड ऑफ a और मोड ऑफ b तो सेम हो, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी इन कंडीशन में दोनों को जोड़ा जाएगा, तो वैल्यू कितनी आती है अभी, a प्लस माइनस बी, तो वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, ठीक है, या इनको बोल सकते हैं a माइनस बी। आ रहा है समझ में, कि अगर दो नेगेटिव, देखो ये वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर इस साइड था, ये था अपना बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब इस बी वेक्टर को पहले शिफ्ट करके उल्टी डायरेक्शन में लगा दूँ, यानी इस साइड ले जाऊँ, अब ये बन गया बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से। अब पहले तो ये बी वेक्टर था, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 यहाँ था 10 यहाँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो तो ऐड करके ही निकलेगा, पैरेललग्राम लो है कि उनका डायगोनल होता है वही होगा, तो डायगोनल निकाल लेंगे तो ए प्लस बी करना होगा, लेकिन जो बी है वो अपना माइनस का हो गया, तो ये जो एडिशन है ये किस में चेंज हो जाता है, अभी सब्ट्रैक्शन के अंदर चेंज हो जाता है, ये एडिशन किस में चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर चेंज हो जाता है अगर किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर दी जाए, अपोजिट कर दी जाए, इसी को मान के अपन एनालिटिकल मेथड से वैल्यू निकालते हैं आर की। अगर ये मान के करें ये बी वेक्टर पहले इस साइड था, ए वेक्टर रिजल्टेंट इसका पहले इस साइड था, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट इनका इन डायरेक्शन से, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वैल्यू देखो अभी ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू रखोगे कितनी आएगी, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी की स्क्वायर करोगे तो ये तो प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी चेंज हो जाएगा, वो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा, वेक्टर वाला, एडिशन वाला, अब चेंज किस में हो जाता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर चेंज हो जाता है, सिर्फ किसका इफेक्ट आता है कि यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है, क्योंकि बी है जो वो माइनस का हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट आता है, यहाँ पे प्लस में कोई इफेक्ट नहीं आता, आगे समझ में। इसी तरह उसका एंगल निकल सकता है, एंगल भी सेम टाइप से निकलेगा, ठीक है, आपको बस ये एक याद करना है, एनालिटिकल मेथड आए तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एडिशन छोड़ के ये फॉर्मूला बना देना है, आगे समझ। अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात करें
तो एक क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर वो टर्न लेता है, ठीक है। तो नहीं, पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, सीधे ज़्यादा था, 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ, वो टर्न ले लिया तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, धीरे हो गई, स्लो होगी, कितने सेकंड में, मान लो 2 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर। तो इसका निकालना था अभी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी पहले क्या थी, v1, कितनी हो गई v2, क्या निकालोगे v2 - v1, कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट कहाँ होगा इनका, इस डायरेक्शन के अंदर। लेकिन v2 - v1 निकालनी है तो क्या लेना पड़ेगा, v2 - v1 लेनी है, यानी v1 को माइनस का लेना है। तो v1 कहाँ जाएगा, अभी इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, v1 था इस डायरेक्शन के अंदर, अब v1 को शिफ्ट करना कहाँ पे करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या होगा अभी, -v1, v1 था इस डायरेक्शन के अंदर, रिजल्टेंट बन रहा था ये, लेकिन अब इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ। और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, अभी v2 + v1 से आएगा, लेकिन अब अपना v2 जो है वो किसका हो गया है, प्लस का, लेकिन v1 जो है वो किसका हो गया, माइनस का। तो v2 - v1 निकाल लेंगे, आगे समझ में, कैसे निकालोगे, वही वैल्यू रख के उसके अंदर फॉर्मूले में, इसकी 5 है, इसकी 10 है, वैल्यू रख देना, वैल्यू रख के देखो, 10 की स्क्वायर + 5 की स्क्वायर - 2 tan 5, एंगल कितना है, कोस 90 से घुमा है शायद, ठीक है, 90 है इनके बीच में, तो 90 कितना आया, 100 + 125, ठीक है, कितने आएगा अभी, इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 cos 90 से, आर की वैल्यू कितनी है अभी, 15 मीटर पर सेकंड। आ रहा है समझ में, ये था अपना वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब इसके स्पेशल केस देख लेंगे, इसके स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस है, ये फॉर्मूला है इसके अंदर स्पेशल केस, a² + b² - 2ab cos थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री होगा तो कैसे बनेगा अभी, a² + b² + 2ab cos 0, वो कॉस 0 डिग्री की आपको वैल्यू पता है क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो a² + b² + 2ab cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बन गया, ये किसकी फॉर्म बन जाएगी, a + b की होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, a + b, किसकी वैल्यू आई, r की। सेकंड, जब थीटा किसका हो, पाई हो, यानी 180 डिग्री हो, तब जो वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, a² + b² + 2ab cos 180। अब 180 की वैल्यू आपको बताई है, -1 होती है, ठीक है, मिनिमम होती है 180 की, -1, मैक्सिमम होती है 0 की। कैसे आएगी भाई, a² + b² - 2ab कैसे बन जाएगी, a - b की होल स्क्वायर बन के ऐसे बन जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट, एक तो ये आया, एक रिजल्टेंट ये आया, पहले रिजल्टेंट से आपने देखा है कि जो वैल्यू आती है जब दो एंगल 0 डिग्री पे हो, जब दो एंगल पैरेलल हो इस टाइप से, AB या एक ही लाइन के ऊपर हो, कोलिनियर एंगल हो, तब जो दो वैक्टर होंगे उनके जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी दो वैक्टर है वो मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे, जब दोनों क्या होंगे, 0 डिग्री एंगल पे होंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है किसी दो वेक्टर के एडिशन की, ये, और ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और कोस 90 पे होगा, तो आपने अभी केस किया वैसे तो, कोस 90 होगा तो कितना हो जाएगा, a² + b², ये पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना, ये आएगी किसकी वैल्यू, a² + b² आ जाएगी r की वैल्यू। आ गया समझ में, ये था अपना वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। न्यूमेरिकल कर लेना इसके, एनालिटिकल मेथड इतना ही है अपना प्रूव करने वाला, बाकी देख लेना, न्यूमेरिकल देख लेना इसके।